बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, एंड ऑफ एक्सरसाइज। आपको इस चैनल पे फिज़िक्स के, केमिस्ट्री और इंग्लिश के पहले असबाक भी मिलेंगे। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच इज़ द ग्रामर वी यूज व्हेन वी वांट टू टेल एन अदर पर्सन अबाउट अ कन्वर्सेशन दैट टू प्लेस इन द पास्ट। रिपोर्टेड स्पीच में ग्रामर का इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसी गुफ्तगू के मुतालिक जो ज़माना माजी में वकूअ पज़ीर हुई। वी ऑफन यूज रिपोर्टेड स्पीच टू गिव समवन अ टेलीफोन मैसेज। टेलीफोन पर पैगाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे एमन सेड शी कुड नॉट कम टुडे। टेल समवन न्यूज दैट वी हर्ड फ्रॉम समवन एल्स। किसी को खबर देनी हो, जैसे अली टोल्ड मी दैट ही एंड सना गॉट एंगेज। टू रिपोर्ट समथिंग दैट हैपेंड, जैसे किसी वाक़े के बारे में बताना हो, अहमद सेड दैट द अदर ड्राइवर वाजंट पेइंग अटेंशन एंड हिट हिज कार। तो प्यारे बच्चों, बिफोर यू स्पीक थिंक, टी इज इट ट्रू, ये सच है। इज इट हेल्पफुल, ये किसी के लिए फ़ायदेमंद है। इज इट इंस्पायरिंग, ये किसी को इंस्पायर कर रहा है, हिम्मत बंधा रहा है। इज इट नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है। इज इट काइंड, क्या ये अच्छे अल्फाज पे मुश्तमिल है। तो ये दो सारी चीज़ें हम किस तरह अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, अगर हम दो चीज़ों को मजबूती से थाम लें। एक अल्लाह की कुरान भेजी हुई किताब कुरान मजीद, और दूसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो प्रैक्टिकली इसके दो तरह से हम ये हासिल कर सकते हैं कि कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ें, रोज़ाना कम अज़ कम 3 आयात, और रोज़ की एक मसनून दुआ याद करें, ताकि जब भी हम कोई काम करें उससे पहले हम मसनून दुआ पढ़ लें, तो हमारी ज़ुबान भी गलतियों से कम गलतियाँ करेगी और हमें हर वक्त ज़िक्र का सवाब भी मिलेगा। हम अपने सबक की तरफ आते हैं। हाउ टू यूज रिपोर्टेड स्पीच। व्हेन वी यूज रिपोर्टेड स्पीच वी आर यूजली टॉकिंग अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। देयरफॉर वर्ब्स यूजली चेंज टू द पास्ट टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो जो वर्ब होता है वो पास्ट टेंस में चेंज करना पड़ता है। एम और इज बिकम्स वॉज, आर बिकम वर, हैव एंड हैज बिकम हैड, can and cannot become could and could not, will and will not become would and would not. Before speech uses the following structure, someone said that sentence, और फिर past tense का इस्तेमाल करेंगे। However in English told me आता है, said me कभी नहीं आता। For example direct speech में हम क्या करते हैं, इन टेक्स्ट वी पुट स्पीच मार्क्स अबाउट द वर्ड स्पोकन। स्पीच मार्क्स आर आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमास। हम जिस तरह किसी ने कहा होता है एग्जैक्टली वही अल्फाज दोहराते हैं, उन्हें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालते हैं, जैसे आप इन एग्जाम्पल्स में देखेंगे। आई हैव हर्ट माई लेग, मोर्न द बॉय। मुझे टांग पे चोट लगी है, लड़के ने रोनी आवाज में कहा। Can you take a deep breath? Ask the doctor. क्या तुम एक गहरा सांस ले सकते हो, डॉक्टर ने पूछा। The woman said, I like this dress. जो खातून ने कहा मुझे ये ड्रेस पसंद है, हमने वही सेंटेंस जो है अल्फाज इन्वर्टेड कोमा के अंदर डाले। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन मस्ट बी पुट इन साइड स्पीच मार्क्स। एग्जैक्ट वर्ड्स को इन्वर्टेड कोमा के अंदर डालते हैं। द फर्स्ट स्पोकन वर्ड मस्ट हैव अ कैपिटल लेटर, और वेन अ न्यू स्पीकर बिगिन्स वी मस्ट स्टार्ट अ न्यू लाइन। इन इनडायरेक्ट स्पीच वी डू नॉट यूज कोटेशन मार्क्स। हम इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज करते, इंस्टेड वी यूज द कंजंक्शन दैट। हम कंजंक्शन दैट इस्तेमाल करते हैं, एंड स्टेट द सेंटेंस बाई चेंजिंग इट्स टेंस। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल्स देखते हैं। द बॉय मोर्न दैट ही हैड हर्ट हीज लेग। हमने उसको पास्ट टेंस में कर दिया, इन्वर्टेड कोमा हटा दिए। द डॉक्टर आस्क द बॉय इफ ही कुड टेक अ डीप ब्रेथ।
The woman said that she liked the dress. हमने वही sentences जो हैं उनको indirect में change किया. तो यहाँ आप note करें, no speech markers in the indirect speech. We added that. Pronoun change I to he and tense changes am to was. Indirect speech, this is sometimes called reported speech. When we use indirect speech in our writing, we do not use speech marks. We usually have to change pronouns and verb tenses. So, rule number one hai, change of tense. So, am or is was mein tabdeel ho jayenge, are verb mein, have, has, had mein, can or can't, couldn't or could mein. Change of pronouns, तो ये list है जिसमें pronouns change हो जाएंगे, I or you, he or she में, me and you, him or her में, my and your, his or her, ये पूरी एक list है. और इसी तरह अगर हमने time and place के हिसाब से भी changes करनी होती हैं, जैसे now, then, today, that day, tonight, that night, yesterday, the day before, तो हम अपने ये example देखते हैं. I replied, I am trying to make her brain process by her sister's voice. ये जो भी हमने chapter किया था उसमें sentence था, इसको अब हमने indirect में किया. I replied that I was trying to make her brain process by her sister's voice. तो अगर हम इसको compare करें, आप देखें कि जो no inverted commas indirect speech में, लेकिन डायरेक्ट स्पीच में देयर आर इन्वर्टेड कॉमास. ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट है और नीचे वाला डायरेक्ट है. इसी तरह आप देखें कि इनडायरेक्ट में दैट हमने ऐड किया जो कि डायरेक्ट स्पीच में दैट नहीं है. फिर हमने थर्ड जो है चेंज किया, हमने प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर दिया, तो एम रिप्लेस्ड बाय वॉज. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, शी सेड. ये एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है क्योंकि इसके नीचे सवालिया निशान है इसके एंड पे. शी आस्क्ड मी वेदर आई वाज लुकिंग फॉर माय पेशेंट. हमने इसको इसका सवालिया निशान हटा दिया. अब आप देखें इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं है. हमने इन्वर्टेड कॉमास की बजाय वेदर ऐड किया इसमें एडिशन. आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट और हमने आर को रिप्लेस कर दिया वास में, यानी हमने इसमें टेंस भी चेंज कर दिया. The doctor said, please go and see other patients. ये जो है डायरेक्ट स्पीच है, अब हमने इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है. The doctor requested me to go and see other patient, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो डॉक्टर ने एक रिक्वेस्ट की है. तो इसमें भी हमने नो इन्वर्टेड कॉमास इन इनडायरेक्ट स्पीच. अब हमने उसके रिक्वेस्ट जो है उसको पास्ट टेंस में चेंज करके यहाँ पे ऐड किया. द डॉक्टर रिक्वेस्टेड टू गो एंड सी द पेशेंट. उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब